नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन लाइव और मैं हूं आपके साथ नेहा गुप्ता। निकाय चुनाव का उत्तर प्रदेश में बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियों के प्रत्याशी जनता को लुभाने के लिए अलग अलग कोशिशें कर रहे हैं और इसी को लेकर हमारे कार्यक्रम पार्षद नामा के तहत हमारे सहयोगी गाजियाबाद पहुंचे, जहां आपको लेकर चलते हैं। वहां पर क्या कुछ उन्होंने जनता से बातचीत की, आइए देखते हैं। नमस्कार, मैं हूं साजन बालियान और आप देख रहे हैं नेशन लाइव। जी हां, इस पे हमारा खास प्रोग्राम पार्षदनामा में आज हम हैं गाजियाबाद शहर में। जी हां, पूरे उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव चल रहे हैं, लेकिन आज हम आ पहुंचे हैं गाजियाबाद के वार्ड नंबर 46 में और हमारे बीच जनता भी है, जनता के प्रतिनिधि भी हैं, उम्मीदवार भी है। तो आपको अलग अलग पार्टी से वहां पर प्रत्याशी मौजूद थे। सपा से प्रवीण कुमार यादव उम्मीदवार के तौर पे मौजूद थे, कांग्रेस से सत्येंद्र तोमर मौजूद थे और आपसे राजू वहां पर मौजूद थे और निर्दलीय उम्मीदवार अलग अलग मौजूद थे, लोकेंद्र कुमार, देवेंद्र कुमार और बसपा पार्टी से सोमवीर सिंह वहां पर मौजूद थे। आपको ये सीधे तस्वीरें दिखा रहे हैं हम गाजियाबाद की, जहां पर जनता मौजूद है, अलग अलग पार्टियों के प्रत्याशी मौजूद हैं जो यहां पर अपने वोटों को मांगने के लिए बैठे हुए हैं, जनता से तमाम वादे कर रहे हैं और यहां पर जनता भी मौजूद है, जहां पर हम उनसे जानेंगे कि क्या कुछ समस्याएं हैं जिनसे वो परेशान हैं, किस तरीके का नेता वो चाहते हैं अपने बीच। तो वापस चलते हैं हम गाजियाबाद अपने सहयोगी साजन बालियान के पास और जानते हैं वहां पर जनता का हाल और क्या कुछ कह रहे हैं वहां पे प्रत्याशी। हमारे बीच में जी मंजू जी, आपका क्या मैनिफेस्टो है, क्या एजेंडा है आपका इस इलेक्शन में, वार्ड नंबर 46 में जो आप लड़ रहे हैं इलेक्शन, निर्दलीय उम्मीदवार है, अकेली महिला उम्मीदवार है, तो मैं जानना चाहूंगा कि आप जनता के बीच में किस एजेंडे को लेकर के चुनाव लड़ रही है। चलिए जानते हैं, सभी को शांत रहना है, व्यवस्था बनाए रखना है। मेरे गांव की इतनी परेशानी, अगर उसका जवाब मैं ना देखा कर, मेरी जितनी जनता खड़ी है ना यहाँ, जितना जवाब अगर मैं भी ना दे पाऊँ, मेरी जनता यहाँ पर खड़ी हुई जवाब दे देगी। क्या क्या परेशानी है यहाँ पे, कि यहाँ पे क्या क्या परेशानी है। 15 साल हो गए लेकिन आज तक यहाँ पे कोई अस्पताल वापस ही नहीं आया, यहाँ पे कोई एक बारात घर की व्यवस्था भी नहीं है। गरीब लड़की की शादी कहाँ पे करवाई, किसी अमीर के यहाँ पे, पूरी जिंदगी गुलामी करने के लिए, किस कारण। हेलो, एक दलित समाज की लड़की जो 7 वर्ष की थी, पास ही बराबर में झोड़ में डूब गई, लेकिन आज तक गांव वालों ने ये नहीं सोचा कि उसकी बाउंड्री करवा दे। जो घटना एक बार हो चुकी, दोबारा से ना घटे हो, लेकिन कोई नहीं गया उसमें, यहाँ तक कि उसके घर पे भी पूछने के लिए नहीं गया। हर जगह महिला ही दोषी रहती है या महिला का ही कसूर होता है, किस कारण बता सकते हैं। यहाँ से जो यहाँ पे पार्षद भी रह चुके हैं पहले और उठ भी रहे मेरे भाई, और इतनी जनता भी खड़ी है यहाँ पे, मैं उनसे जानना चाहूंगी किस कारण। महिला कमजोर है इसीलिए, या फिर महिला ने जन्म दिया सिर्फ इसीलिए, कोई देना चाहेगा इसका जवाब। जानते हैं, अगर दूसरे प्रतिनिधि हैं उनसे भी मंजूरी हम जानेंगे, फिर दोबारा लौटेंगे आपके पास में। आपका जो सवाल है, एक सेकंड, मैंने यहाँ के बारात घर के ऑर्डर पास करवाए, उसमें कौन से मेरी शादी थोड़ी नहीं होगी, जो मैंने यहाँ के बारात घर के ऑर्डर पास करवाए, या फिर मेरी तो बेटी भी नहीं है, लेकिन मैं अपने गांव के हर एक बेटी को अपनी बेटी मानती हूँ, मैंने इसलिए करवाए, जो कि मेरे पास सबूत के साथ है, दिखाना।
जो भी कोई भाई देखना चाहे देख सकता है शौक से। मैं नहीं चाहती जिस जो एक महिला पे गुजरे सब पे गुजरे वो, ना ही कोई परेशानी का सामना करे। देखना चाहेगा कोई? कोई देखना चाहेगा? इनके एजेंडे में इन्होंने अपनी जो बात रखी वो लौटेंगे सवालों के बीच में जनता के, लेकिन अभी हमारे नेक्स्ट प्रतिनिधि हैं लोकेंद्र जी, निर्दलीय उम्मीदवार हैं। लोकेंद्र जी, आपका क्या मैनिफेस्टो है, क्या एजेंडा है? देखिए, आज मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो मैनिफेस्टो होते हैं ना, चाहे पार्टी बड़ी हो चाहे छोटी हो, 10% यदि अगर पूरे कर जाए तो बहुत बड़ी बात है। मैं वो बातें नहीं करूंगा, पहले मैं बता दूं अपने बारे में। मैं एक रिटायर्ड नेवल ऑफिसर हूं, इंडियन नेवी में था, वहां से आया हूं। आप जानते हो कि भारतीय फौज कैसे काम करती है, देश की रक्षा कैसे करती है, उनकी कार्यशैली कैसी होती है, और उनकी ईमानदारी के बारे में और वफादारी के बारे में तो आप प्रश्न चिन्ह लगा ही नहीं सकते। ठीक है, जल्द लौटेंगे आपके बीच में। नेक्स्ट हमारे बीच में आम आदमी पार्टी से हैं सोनवी जी। जी, जैसा अभी भाई साहब ने कहा कि जो ये मैनिफेस्टो तैयार किए जाते हैं कि मैं वो करूंगा और वो करूंगा, भाई साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि ये तो 90% झूठे ही बातें किए जाते हैं। ठीक है जी, इस पे तो विश्वास करने की जरूरत नहीं है। बड़े 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 नेता आते हैं, अपना बहुत देके चले जाते हैं, भाषण के जी मैं वो कराऊंगा, 5 साल गुजर जाते हैं, फिर वो अगले के जी अब क्या और बनवा दो, मैं अगले इसमें तुम्हारी योजना में तुम्हारा ये सारा काम करा दूंगा, तो इनकी झूठी बातों में ना है। एक बात तो मैं मंत्री से पूछना चाहता हूँ, इन्होंने अभी कहा कि हमें बारात घर बनना चाहिए, इनसे ये पूछा जाएगा कहाँ बनेगा, जागृति विहार में बनेगा या दुआई में बनेगा, एक बार पूछा जाएगा। पूछेंगे सवाल का जवाब भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन पहले अपने प्रतिनिधि से हमारे बीच में सत्येंद्र तोमर जी कांग्रेस से। सत्येंद्र जी, आपका क्या मैनिफेस्टो है? नेशनल लाइव का ये बड़ा अच्छा प्रयास है कि हमारे सभी जनप्रतिनिधि जो आकांक्षी हैं, प्रत्याशी हैं वार्ड का प्रतिनिधित्व करने के लिए, उनको एक साथ इकट्ठा किया। गांव समाज के हर बिरादरी के भाई यहाँ उपस्थित हैं, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए। थैंक यू जी। आपको मौका मिलेगा बोलने का मौका दिया जाएगा सबका, पहले इंट्रोडक्शन हो जाएगी। क्या मैनिफेस्टो है? हमारे बीच में सुरेश पाल जी है, निर्दलीय उम्मीदवार है। सुरेश पाल जी, क्या आपका मैनिफेस्टो है? जनता को बीच में आप किस मुद्दे को लेके गए हैं? निर्दलीय हैं और जनता क्यों निर्दलीय उम्मीदवार पे विश्वास करे? इस बात का सबूत तो मुझे देने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि गांव में 7 साल मैंने इस गांव की सेवा की है, और ये पूरे गांव की जनता बता देगी जो वायदे मैंने उस समय किए थे वो सारे पूरे हुए या नहीं हुए, या सब लोग खड़े पूछ रहे। चलिए, जनता से जानेंगे कि आपने वादे पूरे किए कि नहीं किए। नेक्स्ट हमारे बीच में पूछेंगे, आपको मौका पूरा मिलेगा, जनता को भी मौका मिलेगा। हमारे बीच में बहुजन समाज पार्टी से सोनवीर सिंह। जय भीम। हमारी पार्टी गरीब आदमी का साथ देती है। गरीब आदमी का पहले से भी आपने देखा होगा कि कोई भी गरीब दलित जितने भी हैं उनका साथ यही पार्टी देती है, और ना ये गरीब और ना अमीर, सबको एक साथ देखती है ये पार्टी और सबको एक साथ लेके चलती है। सबका साथ, सबका विकास बीजेपी भी देती आई है, लेकिन आज यहाँ पे बीजेपी के प्रतिनिधि भी नहीं आए हैं। उनका तो ये कहना है कि हम तो विकास सबका करेंगे लेकिन जनता के बीच में नहीं जाएंगे। क्या उनको यहाँ पे नहीं आना चाहिए था? क्या विकास के मुद्दे पर वो खरे उतर पाएंगे, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जो हमारे बीच में प्रतिनिधि है और जो जनता है, क्या उनके मुद्दे है, क्या उनका विकास है, चलिए जानते हैं जनता जनार्दन से कि उनके बीच में जो जो क्या क्या उनको समस्याएं हैं, क्या क्या परेशानी है, उनके बारे में जानते हैं। और अभी अभी एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद फिर जल्द
आप सुन रहे थे हमारे सहयोगी साजन बालियान को, जो कि गाजियाबाद से लाइव थे, जहां पर वो कई पार्टियों के प्रत्याशी वहां पर मौजूद थे, जनता के बीच भी वो मौजूद थे और पार्टी के क्या क्या एजेंडे हैं वहां पर अभी उस पर भी बातचीत होगी। लेकिन यहां पर अलग अलग पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो लगातार जनता को लुभाने की कोशिश में ही लगे हुए हैं। लेकिन फिलहाल जनता क्या कहती है, किन परेशानियों से वो जूझ रही है, ये भी जानेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारे कार्यक्रम पार्षद नामा के तहत आज नेशनल लाइफ पहुंचा है गाजियाबाद, जहां पर जनता भी मौजूद है और जनप्रतिनिधि भी मौजूद हैं, जो जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, चुनाव को लेकर अलग अलग वादे भी कर रहे हैं। तो रुक कर लेते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी अजय शाह का, जो वहां पर मौजूद हैं और जनता का क्या रुख है, आइए जान लेते हैं। और यहां पे जनता भी मौजूद है और जनता के जनार्दन भी मौजूद हैं। अभी अभी हमने आपका परिचय कराया, यहाँ पे समस्त मौजूद जो उम्मीदवार है उनसे उन्होंने सबने आपका परिचय दिया। अब हम बारी बारी करके सबके एजेंडे पे बात करेंगे। हम जानना चाहेंगे कि वो क्या कुछ लेकर के मौजूद हैं जनता के बीच और वो क्या कुछ करने की मंशा रखते हैं और क्या उनके मन में है, वो क्या वादे लेकर आए हैं और क्या वो पूरा करेंगे। जी, अभी हम सबसे पहले बात करेंगे नेहा, मंजू कश्यप है हमारे बीच निर्दलीय प्रत्याशी है जो यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं। इन्होंने भी अपना परचम लहराया है, इन्होंने भी जनता से आशीर्वाद मांगा है। अब उनसे बात करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ वादे लेकर के वो उतरी हैं इस मैदान में। जी मंजू जी, भाई साहब, एक मेरे भाई जो है कश्यप जी, राजू कश्यप जी ने भी सवाल उठाया था कि बारात घर कहाँ पे बनेगा, जागृति बिहार में या फिर मानसी बिहार में या फिर गुलधर में या मैनापुर में, यही सवाल था ना आपका। मंजू जी, हम आपसे एक चीज जानना चाहते हैं कि आपके इस वार्ड की जो बेसिक समस्याएं हैं, जो यहाँ की जनरल जो डेली की जो समस्या है वो क्या है, उस बारे में आप क्या है? नहीं, पहले तो इसको ही सुन लीजिए, जो बारात घर के कह रहे कि दुहाई में बनेगा या फिर मानसी बिहार में बनेगा, इंसान के अगर इरादे मजबूत हो या बुलंद हो, जहाँ चाहो वहाँ पे बनवा लो। आज तो मैं आपके भी आपके पास भी आऊंगा, आपके पास भी आऊंगा, आपके पास भी आऊंगा। मंजू जी, आपसे भी बात करेंगे, मगर पहले हम पहले जनता से पूछ लेते हैं, जनता से ही पूछ लेते हैं कि यहाँ की जो समस्याएं हैं वो क्या है, यहाँ की जो समस्याएं जो आज तक आजादी के बाद आज तक जो समस्याओं से जनता जूझ रही है वो क्या है। आप यहीं पर रहते हैं? क्या नाम है? मोहन है। ना पहले गरीबी भी करवाया, बड़े अमीर जी वे करवाते हैं जी, बड़े अमीर करवाते हैं कुछ भी। क्या समस्या है यहाँ की, क्या है, क्या यहाँ की सफाई व्यवस्था ठीक है? अस्पताल की है, गरीब घरों में कुछ भी कोई कुछ नहीं करवाता है, कॉलेज है कोई कॉलेज नहीं है, नाली साफ नहीं होते, ना लाइट वाइट अपने वहाँ लगवाते, हमारे मोहल्ले में नहीं लगवाते, वहाँ जाकर देखो लाइट वाइट हमारे मोहल्ले में नहीं लग रही है, अपने 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 बिरादरी में सब लगवाते हैं, कोई हमारे बिरादरी में नहीं लगवाया जी। तो ये मोहन थे जो बता रहे थे कि आप समाज साहब को रूबरू करा रहे थे। और हम बात करेंगे एक और सज्जन से, जो चलिए अभी हम मंजू जी से फिर हम बात करते हैं और जानते हैं। भैया, ये राजू कश्यप जी ने कहा कि यहाँ पे LMC नहीं है, किसी इंसान को यही नहीं पता कि यहाँ पे कहाँ पे जगह पड़ी है कहाँ पे नहीं, वो गांव का विकास ही क्या करेगा बताओ। जितनी हमारे घर के अंदर अलग से जमीन है, कोई से क्षेत्र में नहीं, कोई से गांव में नहीं। सुनिए, हम आपसे बात खुद फट निकाल कर दिए। नेहा, आरोपों प्रत्यारोपों का दौर चालू हो चुका है, जनता में बहुत जोश है। चलिए हम बात करते हैं लोकेंद्र कुमार जी से भी बात करते हैं। हम आप बैठिए, हम आपसे भी बात करते हैं, आपसे भी बात करते हैं, आम आदमी पार्टी के पास भी आएंगे हम। आप लोग बैठिए, आपसे भी बात करेंगे। ये फर्ज
फांसी नहीं खाते जितने अपने हम सबको मौका देंगे, हम सबको मौका देंगे। बारात घर को लेकर यहाँ लड़ाई हो रही है नेहा, बारात घर को लेकर के जनता से पूछते हैं कि जनता क्या किया, आपकी क्या मंशा है। 25-25 मंजिल फ्लैट में है, दो चार मंजिल भी बन जाए बारात घर तो ये जगह काफी है। हमें तो नहीं देखा क्या बता दो। अभी सबसे बात करते हैं, एक एक करके सबसे बात करेंगे। बैठिए। जनता से हम पूछना चाहेंगे कि बारात घर एक बड़ी समस्या निकल के आई है, वो आपको कहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए या कहीं और चाहिए? तो आप बैठिए, आप बैठिए। बारात घर से बड़ी समस्या मेरे घर में है, बारात घर तो बहुत छोटी समस्या है, उससे बड़ी बड़ी समस्या पर क्यों ध्यान दे रहे लोग? तो यहाँ की जनता का जोश दिख रहा है और यहाँ के प्रत्याशियों का भी जोश दिख रहा है, तो हमें एक एक सबके पास आता हूँ। तो मंजू जी, आपका ये कहना है कि आप बारात घर यहाँ बनवाएंगी? भाई ये बनवाने के लिए क्या, मैं खुद बनवा दूंगी LMC जमीन का, मैंने पूरा रिकॉर्ड निकाल रखा कहाँ कहाँ पे। अपने दुहाई में तो इतनी शायद कोई से गांव में हो भी ना, इन्होंने क्या कह दिया तो पकौड़ी बनाई, पकौड़ी में ध्यान रखा। चलिए। तो ये थी मंजू जी, मंजू कश्यप जी जो निर्दलीय, जो मैं आपकी भी सुन रहा हूँ, आप बैठिए। तो ये तो मैं सबको मौका दूंगा, बैठिए सबको मौका दूंगा। तो ये थी निर्दलीय प्रत्याशी मंजू कश्यप जी, जिन्होंने जनता को अपना जवाब दिया है। अब हम बात करते हैं लोकेंद्र कुमार जी से, जो भी निर्दलीय रूप में प्रत्याशी में है। लीजिए, लोकेंद्र जी से बात करते हैं। मेरी आप सभी से प्रार्थना है कि आप कृपया मेरी बात सुन लें और ताली ना बजाएं प्लीज। आप मुझसे सवाल पूछे, मैं आपका सवाल का जवाब दूंगा। यह दुर्भाग्य है इस वार्ड नंबर 46 का, प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। यह दुर्भाग्य रहा इस वार्ड नंबर 46 का कि हमें बात दिया गया है दुहाई में, गुलधर में, मैनापुर में, फ्रीहोल्ड में, जागृति विहार में, मानसी विहार में। मैं एक ही बात कहता हूँ, अरे विकास तो हर जगह होना चाहिए, बारात घर तो हर जगह बनना चाहिए, ये गलत बात है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, मैं एक बात से सहमत हूँ और मैं एक बात आज कह के जा रहा हूँ, इसके बाद आप मुझसे सवाल कर लेना, मैं अब जाऊंगा। आपका प्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए जो सदन में आपकी बात कहे। आपके दो योजनाओं में जो प्रतिनिधि हमने भेजे हैं, उनकी उपस्थिति सदन में सबसे कम थी। जब आपका प्रतिनिधि वह बोलेगा नहीं, अपनी निधि का इस्तेमाल नहीं करेगा, तो बारात घर कहाँ बनेगा? मैं इन भाइयों से कहना चाहता हूँ, लड़ो मत, अपनी बातें रखो। अरे बारात घर तो यदि दुहाई में बन गया तो भी हमारा है, यदि दुहाई में बारात घर बना तो मानसी विहार के लोग भी यहाँ जाएंगे, यदि बारात घर गुलधर में बना तो मैनपुर के लोग भी वहां पे आ जाएंगे। सवाल है तो आपके दिलों में जगह बनाने का है, सवाल है तो सदन में जाके बात करने का है, निर्दलीय कैंडिडेट का या कांग्रेस कैंडिडेट का या समाजवादी कैंडिडेट का। मतलब ये नहीं है कि जो पार्टी सत्ता में बैठी है वो तुम्हें काम नहीं देगी, पर आपको बोलना तो आना चाहिए सदन में, आप अपनी बात जाकर कहिए। मैं कहता हूँ पार्षद को दिल्ली जाना चाहिए, मैं कहता हूँ पार्षद को लखनऊ जाना चाहिए, काम दो, हमें निधि चाहिए, काम दो। एक पार्षद अपनी निधि से कभी भी पूरे क्षेत्र का विकास नहीं करा सकता, ये बेकार की बात करते हैं। निधि नहीं है इतनी, आपको निधि लानी पड़ेगी सांसद की, आपको निधि लानी पड़ेगी विधायक की, तब पूरे क्षेत्र का विकास होगा। बड़ी बड़ी बातें करने से, आपस में लड़ने से मेरे भाइयों कुछ नहीं होगा। मैं थोड़ी जल्दी में हूँ, आप जो सवाल मुझसे पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं, उसके बाद मैं जाऊंगा।
हम आपने देखा कि किस तरीके से हमारे वरिष्ठ सहयोगी अजय जनता के बीच पहुंचे हुए हैं और वहां पर जो पार्टियों के प्रत्याशी हैं वो अपने मुद्दे रख रहे हैं कि किस तरीके से वो जनता को लुभाएंगे। बारात घर एक मुद्दा नया निकल कर आया तो दूसरी पार्टी के प्रत्याशी ने कहा कि और भी कई मुद्दे हैं लेकिन सबसे जरूरी जो है वो है संसदन में अपनी बात रखना। तो यहाँ पर ये देखने को भी मिल रहा है कि बारात घर तो एक मुद्दा है ही लेकिन जनता जो यहाँ पर गाजियाबाद की है वो और भी समस्याओं से जूझ रही है लेकिन बारात घर से जो मुद्दा है वो ऊपर उठ ही नहीं पाया। लेकिन अब हम अजय से जाना चाहेंगे जी, अजय यहाँ पर जनता के बीच भी जाना चाहेंगे और वहां पर जानेंगे कि जनता एक्चुअल में किन समस्याओं से वहां पर जूझ रही है और अभी तक जो भी पार्षद रहे हैं उन्होंने क्या जनता को सुविधाएं दी हैं या फिर वो अभी भी बदहाली में जी रहे हैं। नेहा, हम जनता के बीच जरूर जाएंगे मगर उससे पहले कुछ प्रत्याशियों से आपको रूबरू कराना बहुत ही जरूरी है। हमारे साथ अभी बैठे हैं सोलवीर सिंह जी बहुजन समाजवादी पार्टी से, उनसे हम बात करेंगे उनका क्या कहना है यहाँ की समस्या और अपने एजेंडे के बारे में। जी सोलवीर जी, मेरा कहना यह है कि जो भी बाढ़ में इतना होता है जो पार्षद लड़ते हैं वादे सभी करें लेकिन हमारा जो एजेंडा है हमारा ये रईस हो गरीब हो जो भी है सब एक ही उससे हो, ये ना हो कि भाई रईसों में तो लाइटें लग गई हैं, नालियां हैं, भंगी साफ कर रहे हैं वहां इधर नहीं लग रहे हैं, इधर नहीं साफ कर रहे हैं, तो वो हरी जगह मतलब जो जहां भी आवश्यकता है वहां भेजे। ये नहीं है कि एक ही तरफ देख रहे ध्यान दिया जा रहा दूसरी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा, वार्ड में हर जगह काम होता है, कहीं ब्याह शादी है लड़की की तो वहां भी भेजे जाते हैं, वहां हर चीज की वो होती है। दूसरी बात जो पैसा दिल्ली तक जाना था जैसे कि अभी तो आपको सीधे तस्वीरें दिखा रहे थे गाजियाबाद के वार्ड नंबर 46 दुहाई से जहां पर हमारे वरिष्ठ सहयोगी अजय शाह मौजूद थे और उन्होंने जनता के बीच प्रत्याशियों से भी बात की और अलग अलग मुद्दे निकल कर आए लेकिन जो एक सबसे बड़ा मुद्दा नजर आया वो बारात घर से ऊपर कोई मुद्दा उठता हुआ नहीं नजर आया। जो निर्दलीय महिला उम्मीदवार थी मंजू कश्यप वो भी बारात घर क्या ही उस तहत करके हमने नगर निगम के लिए वहाँ ऑफिस बनवा दिया, तो ये तो लाना पड़ता है जाकर के पैसा और जब भी आता है और बाढ़ में जहाँ जरूरतें होती हैं वहाँ वो पैसा लगना चाहिए, ये नहीं है कि भाई मतलब एक तरफ लगा दिया जाए, बाढ़ में पूरे में ही काम करना चाहिए। तो अभी आप सुन रहे थे बहुजन समाजवादी पार्टी से सोमवीर सिंह जी को। अब हमारे साथ राजकुमार जी मौजूद है आम आदमी पार्टी से, इनसे हम जानना चाहेंगे इनके मुद्दे क्या है, जनता को ये क्या वादा कर रहे हैं। सबसे पहला मुद्दा तो है देखो जी वार्ड नंबर 46 में जो वाटर लेवल बहुत नीचे जा चुका है उससे जो पानी जो है हमारे क्षेत्र का बिल्कुल दूषित हो चुका है, जितनी भी सरकारी नले लगी हुई हैं इसमें पानी आप पियोगे तो पीला रंग का पानी निकलता है जिससे आप सब लोग बीमार हो रहे हैं, अस्पताल में रहते हैं। तो मैं ये वादा करता हूँ कि इन जितने भी सरकारी नल लगे हुए हैं इनकी रिबोरिंग यानी को इनको उखाड़ के दोबारा से लगवाया जाएगा गहराई पकड़ के, उसके बावजूद जो ये है भेदभाव वाला काम किया गया था पिछले पार्षद द्वारा के दुहाई में काम हुआ, जागृति विहार में नहीं हुआ, गुलदार में मैंने जाकर देखा, फ्री होल्ड में जाकर देखा, सड़कें बेकार पड़ी हुई हैं, तो उनको वो सभी काम बिना किसी भेदभाव के मैं जो पूरी तरह से पूरी निष्ठा के साथ करूंगा। और बारात घर के बारे में भी कुछ कह रहे, बारात घर के बारे में भी पूछना चाहता हूँ, मेरा मंजू जी ने मेरा जवाब नहीं दिया कि वो जमीन कहाँ से दिखाएंगी, एक मिनट पहले मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, आप बैठिए मुझे पता है आपको आपके बारे में, बस ना ही हम एक मिनट सुनिए ये छोड़िए, मैं सबको मौका दूंगा, सबको मौका मिलेगा, आप सब पढ़े लिखे सभ्य नागरिक हैं तो आप बोलिए, मैं आपको बोलने का मौका दे रहा हूँ, ऐसी बात नहीं थी, मैं इनके मैनिफेस्टो के बारे में बात कर रहा था, मैनिफेस्टो के बारे में बात करना चाह रहा था। अभी जो मंजू जी ने कहा कि आप पकौड़ी बेचने वाला क्या जाने, पकौड़ी अरे पकौड़ी बेच के गुजारा करता हूँ, चोरी डकैती नहीं करता इन नेताओं की तरह। अभी मैंने इनसे पूछा कि जमीन कहाँ से दिखाएंगे, उस पेपर को तो दिखाओ,
पेपर दिखाओ कहाँ है वो, उस जमीन का पेपर दिखाओ, ठीक है ना। उसके तो ये थे आम आदमी पार्टी से मोदी जी, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, चाय बेच के प्रधानमंत्री बन गए, तो इस बात का अंदाजा लगाओ। पकौड़ी बेचने वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है। चलिए, पकौड़ी बेचने वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है। ये थी आम आदमी पार्टी और जिसके वादे आपने सुने। अब हम बात करेंगे सत्येंद्र तोमर जी से, कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार है यहाँ पे। जी सत्येंद्र जी, भाइयों ये बहुत बड़ा वार्ड है, लगभग 5-10 किलोमीटर में फैला हुआ है, बहुत सारी समस्याएं हैं और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि हर कोई अपने मोहल्ले एक गली की समस्या पे ज्यादा जोर दे रहा है। भाइयों पूरे क्षेत्र को अच्छी सड़कों की जरूरत है, बिजली की जरूरत है और मेरे लिए तो सबसे पहले स्वास्थ्य सेवाएं और गरीब बच्चों के शिक्षा के स्तर में मैं प्रयास करूंगा। क्षेत्र बहुत बड़ा है, उसके लिए तमाम साधन जो भी उपलब्ध हो सकते हैं, जो हमारे सभासद का कोटा है, प्रपार्षद का कोटा है, वहां से पैसा लेके आएंगे, जो हमारे विधायक निधि है उसका पैसा लेके आएंगे, राज्यसभा का पैसा है, जो समाज कल्याण की योजनाएं राज्य स्तर पे है, जनपद स्तर पे है या राष्ट्रीय स्तर पे है उनको लेंगे, और तमाम एनजीओ ऐसे हैं जो संस्थान है जो स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, गरीबों के शिक्षा उत्थान के लिए काम करते हैं, उनकी मदद करेंगे। हर मोहल्ले के 5 मौजूद लोगों को, 10 लोगों को लेके उस संघर्ष में सबको साथ लेके चलेंगे और निधि का आवंटन जो भाई जैसे कहेगा वैसे होगा। तो ये आपने सुना कांग्रेस को, अभी हमारे साथ मौजूद है सुरेश पाल जी जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, इनसे हम इनका एजेंडा जानना चाहेंगे। जी सब शांत हो गए, सुने। सबसे पहले तो मैं मंजू जी को ही एक बात बतानी चाहता हूं कि अब से कुछ समय पहले हमारे गांव को बारात घर के लिए पैसा सैंक्शन होकर आ चुका था, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हम उसके लिए कहीं जमीन उपलब्ध नहीं करा सके और वो पैसा वापस फिर जो है बैंक में गया। एक मिनट। इसके अलावा ठीक है, हर प्रत्याशी आकर वायदे करता है, पूरे नहीं करता, लेकिन मैं दावे से कहता हूं कि मैं जो वायदा करता हूं उसे पूरा करता हूं। ये मेरे प्रधान पीरियड में सब जानते हैं, पूरा गांव जानता है, जितने वायदे मैंने किए, मेरा केवल एक वायदा अधूरा रहा था कि मैं गांव को इंटर कॉलेज नहीं दे सका, जिसकी वजह कि उस जमीन पर विवाद था, विवादित थी, वो जूनियर हाई स्कूल के जगह उसमें सर छोट राम में तब्दील हो चुकी थी। इसके अलावा रही छोटे और बड़े की बात, ये हम जैसे लोग पैदा करते हैं, हमारे गांव में छोटा बड़ा ऊंच नीच कोई किसी तरह का भेदभाव नहीं है, हमारे यहां हर कोई बराबर है, हर किसी के शादी में, ब्याह में, दुख में, सुख में, हर लोग एक दूसरे के पास आता है जाता है, यहां कोई ना ऊंचा है, कोई ना नीचा, कोई ना छोटा है, ना कोई बड़ा है। रही विकास की बात, जितना विकास मैंने अपने प्रधानी के पीरियड में किया यहाँ हर आदमी जानता है, और अगर ना हुआ हो तो वो मेरे सामने कह दे कि कोई विकास नहीं हुआ, और आज भी मैं वायदा करता हूँ, बहुत बड़ा वार्ड है, काफी बड़ा है, और इस बड़े वार्ड के लिए वो ही आदमी काम कर सकता है जो बिल्कुल ठाली हो मेरी तरह, जिसे केवल समाज की सेवा करने का नशा हो, जो मुझे है, इसके अलावा मुझे कोई काम नहीं, बात नहीं करनी। आप इसी वार्ड में रहते हैं? हाँ जी, मैं वार्ड नंबर 46 से रहने वाला हूँ। आप क्या करते हैं? मैं मजदूरी करने वाला आदमी। मजदूरी करते हैं। आपके वार्ड में क्या क्या समस्याएं हैं? मेरे वार्ड में सबसे ज्यादा समस्या बिजली की है और पानी की और साफ सफाई की। साफ सफाई की। नालियां भरी हुई हैं? सारी नालियां भरी हुई हैं। सबसे बढ़िया सबसे वो समस्या जो है बिजली की, जो खंभों में लाइटें बल्ब जो लगती है, सिर्फ लगते हैं इलेक्शन के टाइम पे, उसके बाद कुछ नहीं लगना, तो जनता कहीं भी जाओ उसके बाद कुछ नहीं लगना, सिर्फ अलग। तो आपने सुना ये समस्या है, आप लोग से जानना चाहेंगे कि यह समस्या है, सत्य है, सही है, सच है?
चलिए एक और सज्जन से बात कर लेते हैं। इधर आइए आप, इधर आइए। क्या शुभ नाम है आप? सम्राट चौधरी। दुहाई। दुहाई करने वाले हैं। आप बताइए समस्याएं क्या हैं? समस्याएं जबरदस्ती पैदा की जा रही हैं। बारात घर के नाम पे ये पूरा शो डिबेट ये डाइवर्ट कर देगा। हमारी समस्याएं हैं कि हमारा अगर तो आप यहाँ पे नहर पे निकले, जो कभी नहर थी अभी नाले में तब्दील हो चुकी है। हर साल 150 से 200 लोग बीमार होते हैं और 50-60 हजार रुपए लगा के वहाँ पे अस्पताल से वो निकल के आते हैं। 15 दिन में मैं निकल के आया हूँ, वो समस्या है किसी को दिखाई नहीं दे रही है। जो बेसिक समस्या है, जो गंदगी है। एक मिनट रुके, आप सभी बात करेंगे, आप सभी। हाँ, नाला बन गया। और इसके अलावा साफ सफाई यहाँ कैसी है? साफ सफाई ऐसी है कि कुछ जगह साफ सफाई कैसी है? साफ सफाई यहाँ पे होती है, ये नहीं कह सकते कि साफ सफाई नहीं होती। नगर निगम के अंडर आता है, लोग झाड़ू लगाते हैं। और ये अमीर और गरीब की बात कर रहे हैं कि अमीर के यहाँ पे सफाई होती है। एक सेकंड, हमारी गली में 2-2.5 महीने में कूड़ा वहां से उठा के लेके जाते हैं और कहते हैं कि उस गली के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। हमारी खुद की गली। और ये अमीर और गरीब की बात करें, अमीर और गरीब जैसा कुछ नहीं है। जो बनता है वो अपने क्षेत्र के लिए सिर्फ काम करता है और बाकी सब कुछ भूल जाता है। अपने एरिया में लाइट लगाएगा, अपने एरिया में झाड़ू लगवाएगा, अपने एरिया में सफाई कराएगा, बाकी सब कुछ छोड़ देंगे। तो नेहा, आपने जनता को भी सुन लिया, जनता से भी आपने बात कर ली है। और यहाँ एक चीज देखने को मिल रही है कि जहाँ प्रधान जी कह रहे हैं कि समस्याएं नहीं हैं, पूरे गाजियाबाद में उन्होंने कई चीजों को लेकर समस्याएं जो हैं वो कम हैं, लेकिन जब जनता के बीच आप पहुंचे तो जनता ने कहा कि बिजली से लेकर पानी की समस्या से वो जूझ रहे हैं। तो यहाँ पर किसको सत्य माना जाए? प्रधान जी कह रहे हैं समस्याएं नहीं हैं, कई समस्याएं जो थी उनको सुलझा दिया गया, सब सुविधाएं दी गई हैं जनता को, लेकिन जब जनता कह रही है कि बिजली से लेकर पानी और गंदगी की समस्याओं से वो जूझ रही है, तो क्या सच है? नेहा, राम राज्य कहीं नहीं आया है और यहाँ जनता आज भी उन्हीं समस्याओं से जूझ रही है जो आज से 40-50 साल पहले हुआ करती थी। आज भी समस्याएं वही हैं, आज भी वार्ड वही हैं। बहुत सारे प्रतिनिधि चुन के आते गए, अपने वादे करते गए और उनको जनता को वो चीजें नहीं मिल पाई जो जनता को मिलनी चाहिए थी। आज भी जनता महरूम है अपनी जरूरतों से। वादे बहुत बड़े होते रहे और वादों का टोल अभी तक नहीं निकला है। मैं आपकी कुछ और लोगों से बातचीत कराता हूं, ठीक है? यहां पे बहुत सारे लोग मौजूद हैं। हाँ जी, महेश शर्मा। सफर ज्यादा कितनी भी आ जाओ, जो कि त्यों रहे हैं, कोई भी आया वादे कर चले। आपकी उम्र काफी दिख रही है, आप काफी दिन से यहाँ रह रहे हैं, तो आज से 20 साल पहले जो चुनाव हुआ था उसमें जो वादे हुए थे, क्या आज तक वो ठीक हुई? वादे रह जाओ, सब भूल जाओ। चुनाव जीते क्या आपके पास सड़कें साफ हो गई है? क्या आपके पास सड़कें साफ हो गई हैं? प्रधान जी के समय में की बात अलग है, अब जब पार्षद हुए हैं अब की बार थोड़े लाइट वाइट लगी, वो खर्चे बने वैसे वो पहले नहीं हुआ कुछ भी ऐसा। तो नेहा, आपने सुना जनता का जवाब, जनता क्या कह रही है? तो यहाँ पर हम लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे थे गाजियाबाद के वार्ड नंबर 46 दुहाई से, जहाँ पर जी नेहा, मैं सुन पा रहा हूँ आपको? जी बिल्कुल अजय, एक बार फिर से हम महिला उम्मीदवार जो है निर्दलीय, हम उनके पास चलना चाहेंगे, मंजू कश्यप के पास, जो पूरे उम्मीदवारों में एक अकेली महिला खड़ी हुई हैं और वो अपनी बात रखना चाह रही थी उस वक्त भी, लेकिन सभी से बातचीत करनी थी तो उनकी बातें कुछ अधूरी रह गई थी। यहाँ पर जानना चाहेंगे उनके और चुनावी एजेंडे क्या होंगे, बारात घर के आगे जो मुद्दे होने चाहिए वो नहीं पहुंच पाए, तो यहाँ जानना चाहेंगे कि किस तरीके से वो जनता की समस्याओं को दूर करेंगी अगर वो जीतती हैं तो।
जी नेहा, मैं आपको मंजू जी के पास ले चलता हूँ। मंजू कश्यप जी, आपसे आखिरी बातचीत, आप जनता से क्या वादे कर रही हैं? क्या मैं वादे नहीं कर रही, मैं तो सबूत के साथ पेश कर रही हूँ। सीएम की वेबसाइट खोल करके और मेरे नाम से, मंजू कश्यप के नाम से मेरा मोबाइल नंबर डालकर देख सकते हैं मैंने क्या क्या कर रखा है। मैं भैया से कहूंगी उनसे एक बार देखो, मैं कच्चे काम लेके नहीं चलती, नहीं मैं दिखावा करती। आप अपने प्रधान जी से ही पूछूंगी। अब ये सोच मेरे सुनो, चाहे ये सोचो कि बेटी के से उससे पूछ रही हूँ, चाहे बहू के उससे पूछ रही हूँ, इनसे ये पूछो कि गांव की आज तक जितनी भी महिला हैं जो वृद्धा औरत है, विधवा औरत है, उनकी पेंशन आज तक क्यों नहीं बंदी? क्यों नहीं बंदी? अरे एक बात और, बालिका समाज, एक सेकंड, जो बाल्मीक समाज के हैं उनके ये बता सकते कि उनके शमशान घाट कहाँ है, उनका मंदिर कहाँ है, या फिर वो पंचायत घर कहाँ है? ये इनकी बस, इनका बस वोट की जो रह गया, कोई जवाब दे, रचा दे दो। तो नेहा आपने सुना, ये थे मंजू कश्यप, और बाकी उम्मीदवारों से हमारी सबसे बात हो चुकी है। सब अपने अपने दावे ठोक रहे हैं, सब इस चुनाव में रणभेरी बजा चुके हैं, और आज के इस पार्षदनामा में नेहा बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। फिलहाल यहाँ पर जनता के बीच जब पहुंचे तो जनता ने अपने अलग अलग जो समस्याएं हैं उनकी वो रखी कि जनता किन समस्याओं से जूझ रही है। जनता ने कहा कि पानी की समस्या हो गई, बिजली की समस्या हो गई, सड़क की व्यवस्था नहीं है, स्कूल जो वहां पर हैं वो ठीक से नहीं है, तो बहुत सी ऐसी समस्याएं थी जो जनता के बीच जब पहुंचे तो वो निकल कर आई। लेकिन प्रत्याशी जो थे वो वहां पर यही कहते हुए नजर आए कि वो ये समस्याओं को दूर करेंगे। कुछ समस्याएं थी जो उठकर ही सामने नहीं आई। प्रधान जी के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा कि कई सुविधाएं दी गई हैं जनता को, लेकिन जनता ने साफ सच्चाई सामने रख दी। तो यहां पर एक सवाल उठता है कि जनता अब चुनाव के दौरान किसे वोट देती है? ये तो जब चुनाव होंगे उसके बाद नतीजे जब आएंगे तभी सामने आएगा कि जनता किसे चुनती है। तो पार्षदनामा में बस इतना ही, देखते रहिए नेशनल लाइव।